पहले तो ये कहूँगा कि इस फिल्म के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। लिप्स किस ऑफ डेथ एक रोमांटिक थ्रिलर है, समीर मलकन ने इन्हें डायरेक्ट किया है और समीर जी ने बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं पास में, मैं नाइट टू खिलाड़ी, दिव्य शक्ति, कीमत। ये फिल्म बेसिकली अमेरिका में सेट है, एक लड़के की कहानी है जो अमेरिका जाता है अपने सपने साकार करने, पैसे बनाने, और जब अमेरिका जाता है तो उसे पता चलता है कि असलियत क्या है। वहाँ उसके एक लड़की से मुलाकात होती है, एक रिलेशनशिप होता है, और वो कैसे लॉ के गलत साइड पे जाता है और कैसे कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी उसकी ज़िंदगी उलझती जाती है और क्राइम में पड़ जाता है, और कैसे उससे निकल के वो बाहर आता है। एक पंजाब से उसका नाम है लखन सिंह, और मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से है, और अमेरिका जाने के लिए उसके माँ बाप सब कुछ बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं कि उसके बेटे के सपने पूरे हों, और सीधा साधा है। और जब अमेरिका जाता है, जब उस लड़की से मुलाकात होती है जो मेरी हीरोइन मौशमी है, कि उसे लगता है कि ये ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी पड़ी है, हम प्रोमो दिखाएंगे तो आप देखते, और कैसे उसे बे इंतहा प्यार करता है और असूलों का पक्का है, गलत चीज़ें नहीं करता, उसे पता है कि ज़िंदगी में सही, ठीक है मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपने माँ बाप को प्रॉमिस किया कि मैं पैसे कमाऊँगा लेकिन इसके लिए कुछ गलत काम नहीं करूँगा, और कैसे जब वो फंस जाता है कैसे ज़िंदगी उसकी उल्टी नीचे हो जाती है और कैसे निकलता है। वो एक जो इंडियन मेंटालिटी है कि अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में इतने पैसे बने के अमेरिका में ये सब कर सकते हैं, और वास्तव में जो सच नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन ट्रैवल करता रहता हूँ और लाइफ में इतना सब कुछ होता नहीं। तो हाँ जी, नहीं नहीं कबूतरबाजी को लेके कुछ नहीं। बेसिकली फॉर मी वेरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इट्स अ गुड फिल्म। समीर जी के साथ काम करके और समीर जी ने फिल्म बनाई है, एक होता है मैं एक्टर हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कैसा काम किया है और कैसी फिल्म बनी है। देखिए, फिल्म का चलना या ना चलना, हिट होना या ना आना, वो तो एक तो ऑडियंस के ऊपर होता है और एक भगवान के ऊपर है, ऊपर वाला जो चाहे वो होगा, लेकिन अपनी तरफ से एक तसल्ली हो जाती है कि हमने एक फिल्म बनाई, फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं रिलीज़ नहीं होती, तो ये भी स्टिग्मा रहता है इंडस्ट्री में। तो टेलीविज़न का करने के बाद, इतना हासिल करने के बाद, फिल्म में भी मैं चाहता था कि मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हो और ऊपर वाले चाहे तो फिल्म लोग देखेंगे, हिट हो या ना हो दूसरी बात है, लेकिन एक रिलीज़ होके देखना तो ज़रूर है।